Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया होगा Michael की हॉट डेट थी गाइज, वो भी सीक्रेट बेस पर, और अभी दोस्तों वो यहाँ पर स्विमिंग करके जस्ट यहाँ से निकल रहा है. पर भाई सूट में स्विमिंग कौन करता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन भाई यहाँ पर जो अभी अपना जो Michael है वो लगा हुआ है स्विमिंग करने में, अपना जो वर्कआउट जो भी कर रहा हो पता नहीं क्या कर रहा है वो. गाइज मेरे ख्याल से इसका एक रीज़न है, रीज़न ऐसा है कि वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट किसी को दिखाना भी नहीं चाहता है और ना ही उतारना चाहता है. उसके पास है गाइज एक सुजुकी की बाइक, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है. अभी अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा है Michael, और उसके पास थी गाइज गन. वो गन से दोस्तों जो है उसने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट अंदर पहन रखी है और वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है, जिसके कारण से उसने गाइज जो है सूट वेयर कर रखा है. तो फिलहाल अभी मैं दोस्तों जाने वाला हूँ सीधा बैंक, पब्लिक डिपॉजिट बैंक में, और बैंक जाके दोस्तों हम लोग जो है वहाँ पर काफ़ी तगड़े कारनामे करने वाले हैं. वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ गाइस अपना एक न्यू सीक्रेट बेस बना लिया जाए, ठीक है. क्योंकि दोस्तों ये वाला जो एरिया है ना वो बहुत रहीसों का एरिया है, और मतलब यार पूरी रहीस है यहाँ पर, तो मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पर ये जो एरिया जो यहाँ पर जो हम लोग चल रहे हैं हाईवे के पास. लेकिन गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर बंदे कुछ जो हैं परेशान कर रहे हैं किसी लड़की को, और यहाँ पर Michael ये देख नहीं सकता. मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, या फिर दोस्तों ये इन्हीं के गैंग मेंबर्स हैं, ये फ़ोटो लेना चाहते हैं या फिर किन्हीं के साथ कुछ करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. लेकिन गाइज अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये लोग दोस्तों जो हैं इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, गन एम करके उसके ऊपर रखे हुए हैं. तो अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से दोस्तों जो है इनको मारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि एक बंदा यहाँ पर है, कैमरा खींचेगा बेटा तेज़ साले निकल यहाँ से. तो अभी दोस्तों एक ने तो यहाँ पर जो है इसकी वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं. लगता है गाइस ये लोग काफ़ी तगड़े, मैं आप लोगों को बोलना नहीं चाहूँगा, वो वाले काम कर रहे हैं यहाँ पर ये, जिसमें दोस्तों लड़कियों की ये लोग फ़ोटो ले जाके सेल करते हैं. अब पता नहीं गाइज इनका ये क्या इंटेंशन था, लेकिन कोई गाइज वो एक लड़की जो है उसको मुझे कैसे ना कैसे करके बचाना पड़ेगा, ठीक है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाले बंदे को मार देता हूँ. तो यहाँ पर से मैंने जो है ग्रेनेड लॉन्चर ब्लास्ट कर दिया है. दूसरा दोस्तों ये आता है, इसको भी मैंने यहाँ पर किल कर दिया है, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो. इस वाले टकले को मैंने मार दिया है. ये किसी के गैंग मेंबर्स के लगते हैं या फिर दोस्तों माफिया के गैंग के लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. उस लड़की के दोस्तों लगातार ये लोग फ़ोटो लिए जा रहे थे पीछे से और आगे एम करके रखे हुए थे. फिर गाइस मुझे लगता है ये उसे किडनैप करके भी लेके जाने वाले थे और उसके साथ पता नहीं क्या करते. लेकिन गाइस भगवान ने मुझे यहाँ पर भेज दिया और मैं अभी दोस्तों उसकी जो है जान बचाने में लगा हुआ हूँ. तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर अभी इसको भी हम लोग किल कर देते हैं. इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर 5-6 बंदे मार दिए तो अपना दिमाग क्यों लगा रहा है. तो जैसे ही गाइस यहाँ पर जो है Michael गले मिलने जाता है उस लड़की से, तो वो काफ़ी तगड़ी इंजर्ड रहती है, उसके पीठ पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है. और ये लड़की बताती है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और सेलिब्रिटी के चक्कर में गाइस ये मुझसे जो है शादी करना चाहते थे माफिया के लोग नहीं, माफिया का जो गैंग मेंबर है वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसने जो है वहाँ से वो भाग आई और जिसके कारण से उसने इसके पीछे गुंडे छोड़ दिए. अब गुंडे छोड़ने के बाद ये उसकी कुछ फ़ोटोज़ जो है लीक करने वाला था गलत और सोशल मीडिया पर डालने वाला था, जिसके कारण से दोस्तों ये लड़की अपने आप को काफ़ी तगड़ा जो है समझ और पकड़ी गई यहाँ पर. मेरे ख्याल से इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत काम होने जा रहा था, लेकिन गाइस Michael ने जो है इसे बचा लिया और अभी इसको हम लेके जाने वाले हैं सीधा हॉस्पिटल में. तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए. तो यहाँ पर दोस्तों वो लड़की जब माफिया से प्यार करती ही नहीं है, बेफालतू में जब वो उसने ना भी कर दिया तो उसने उसका जो है यूज़ में ले लिया, ठीक है. मतलब तुम ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर दोस्तों Michael ने जो है इसका नंबर ले लिया है, बताया कि मैं भी बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना. तो यहाँ पर दोस्तों इनके बीच में काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स बन गए हैं, आप लोग देख पा रहे हो. ये अब एक तरह से मैंने इसको बताया भी नहीं कि भाई मैं जो है यहाँ पर मेरी वाइफ वगैरह भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मैंने नहीं बताया, और इसने मुझे अपना जो है
बॉयफ्रेंड तरह मान लिया है। मतलब गाइज ऐसे एक तरह से ये मेरे से बहुत तगड़े इम्प्रेस हो चुकी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी, क्योंकि मैंने इसे जो है गुंडों से बचाया। और माइकल की पर्सनालिटी आप लोगों को पता ही है, लुक वाइज, हाइट वगैरह, वेट, और ऊपर से गैंगस्टर भी है। तो मेरे ख्याल से वो उबे यहाँ पर कुछ और गैंग मेम्बर्स आ गए हैं, लगता है गाइज वो लड़की के पीछे ही पड़े हैं। तो माफिया लगता है इसे नहीं छोड़ रहा है, और माफिया को दोस्तों मुझे समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यार आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैंने यहाँ पर बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर दिया है, और तगड़ा ब्लास्ट करने के बाद दोस्तों हमने जो है उसको वहाँ पर छोड़ दिया है इमरजेंसी सर्विस में। वहाँ पर जाके दोस्तों उसका जो है इलाज वगैरह चल जाएगा। मैंने उसे नंबर भी दे दिया, मिलते हैं गाइस। यहाँ पर दोस्तों आते आते मैं आ गया था दोस्तों अपने मलिबू मेंशन पर, और मलिबू मेंशन में आने के बाद गाइस मेरे को पता लगा कि अब मुझे जो है रेस्ट वगैरह कर लेना चाहिए, क्योंकि गाइस अब ज़िंदगी में काम कुछ बचा है नहीं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो ड्राइवर को दोस्तों मारने के लिए उसके पास काफ़ी तगड़ी शक्तियाँ हैं, तो वो मारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो प्लान सोचना पड़ेगा। शाम भी यहाँ पर हो चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं गाइज अभी अपने घर पर, और घर पर जाके रेस्ट कर लेते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पक्का से पक्का मेरे को 110% लग रहा है कि बारिश होगी। ऊपर जो मौसम है वो पूरा का पूरा क्लाउडी हो रखा है, ठीक है। तो जल्दी से गाइज अभी जो है ऊपर की तरफ में हम लोग चलते हैं यहाँ से, और जाके अपने रूम पर रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज, अभी मैं थोड़ा डिनर वगैरह कर लेता हूँ, जो भी बना होगा फिर मिलता हूँ। तो ओके गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो डिनर वगैरह मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वेदर को देख के नहीं मैंने बोला था, मैंने दोस्तों ऊपर के जो बादल थे उनको देख के मैंने आप लोगों को बताया था। बारिश आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ओके गाइस, मुझे जो है उसका फिर से कॉल आ जाता है, मेरी जो न्यू गर्लफ्रेंड अभी बनी है, तो गाइस हम उसे गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते अभी, लेकिन गाइस इन द सेंस वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी है, या फिर अपना फ्रेंड मानती हो। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी है। अब जो कॉल आया था वो था तो नंबर दोस्तों उस लड़की का ही, लेकिन गाइस वो कॉल जो बात कर रहा था वो कर रहा था माफिया। और आज हम लोगों ने अपनी फेवरेट कार निकाल ली है, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी सियान। कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। जल्दी से गाइस इस वाली कार पर बैठ के हम लोग सीधा जाने वाले हैं उस वाले एरिया पे, जहाँ पे दोस्तों माफिया ने उसे किडनैप किया है। लेस्टर से बोल के गाइस मैंने उसकी जो है लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। उसने बोला कि तुम भाई मुझे कहीं पर भी ढूंढ लो, इतने बड़े शहर में तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। उसे क्या पता बेवकूफ़ कि मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ लॉस सैंटोस का, और साथ ही साथ में लेस्टर जैसे हैकर भी है मेरे पास, हमने क्या क्या कुछ नहीं हैक कर लिया यहाँ पर रह रह के। तो भाई तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, आप लोग खुद ही चेकआउट कर पा रहे हो, सियान को लेके सीधा जा रहा हूँ आगे की तरफ में। और मुझे भाई बेस का पता ऑलरेडी लग चुका है, तो गाइस ये उसे लेके आ चुके हैं वुड मिल पर। और वुड मिल पर आते ही गाइस मैंने जो है अपनी सीधा लैम्बोर्गिनी सियान पार कर दी है। अब ये गाइस प्यार नहीं तो और क्या है। आप लोग देख पा रहे हो कि भाई हमारा जो माइकल है सूट पहन के बिल्कुल घनी बारिश में, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर उसने दोस्तों जो है उस लड़की को बचाने की पूरी ठान ली है। पानी हो, ज़ुकाम हो, कोल्ड हो जाए, या फिर दोस्तों बुखार वगैरह सब कुछ क्यों ना आ जाए, आप लोग देख पा रहे हो बड़ी ही शिद्दत से बेचारा जो है सबको मारने आ चुका है। तो यहाँ पर पहला बंदा ये रहा। अबे इन लोगों ने यार, इन लोगों की भी मेरे को ड्यूटी की ना दाद देनी पड़ेगी। मतलब गाइस इतना ज़्यादा कौन होता है यार, मतलब इनको काफ़ी अच्छी पेमेंट मिलती होगी इस बारिश में खड़े रहने के लिए। लेकिन गाइस इन लोग रोन रेनकोट पहन के, मास्क वगैरह पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाइस ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या पता है यहाँ पर जो है बहुत तगड़ा बंदा आ चुका है। स्नाइपर राइफल के साथ सप्रेसर भी है गाइज हम लोगों के पास, जिसके कारण से इन्हें घंटा पता नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। ये देखो ये जाना आप खड़े हैं, अबे लकवा वगैरह मार गया क्या तेरे को, जो ऐसे खड़ा ड्यूटी दे रहा है भाई, अच्छे से दे ड्यूटी, अब देने लायक भी नहीं बचा। ऊपर जाके सोचना क्या गलती की थी मैंने, ठीक है। तो जैसी गाइज मैं यहाँ पर ओ भयंकर, मतलब गाइज ये बंदा है या जानवर है, जैसे भाई शेर नहीं होता सिम्बा का जब जन्म होता है, तो ऐसे बारिश हो रही होती है, वो भयंकर एक लड़की को लात पे लात मारे जा रहा है, बेशरम। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा गाइज यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई इतना कैसे कर सकता है। इससे भी ज़्यादा क्रुएल्टी होती है मानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक पहली बार ऐसे देखी है। उसको गाइज एकदम एज पे ले जाके दे लात पे लात मारे जा रहा है,
और नीचे गाइस ये कंटेनर रखा हुआ है। अब गाइस ये माफिया है, कंटेनर में पक्का कुछ ना कुछ तो होगा। जल्दी से चलते हैं कंटेनर के पास और देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है ऊपर पूरा। ठीक है, 1 मिनट। ओ रुक जा माइकल, दो बंदे और हैं, दो बंदे और हैं, आराम से जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी निकाल ली स्टन गन। स्टन गन से सबसे पहले बंदे को आउट करते हैं, ये वाला बंदा मैंने आउट कर दिया। दूसरे वाले को कानो कान खबर नहीं है भाई क्या बनेगा रे तू। चल निकल यहाँ से। तो सीधा जो एक्स है वो दिल को फाड़ चुकी है और बंदा वहीं पर डेड हो चुका है, तो ये मर गई। ठीक है, मरने के बाद गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोग खुद देख लो। ठीक है, जल्दी से चलते हैं गाइस हम लोग ऊपर की तरफ में। ऊपर की तरफ में आप लोग कंटेनर में दिखाता हूँ मैं कि क्या सीन चल रहा है पूरा। ये देखो गाइस यहाँ पर लड़की कुछ बोल भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि नीचे गाइस बब्बर शेर लायंस हैं। वो भयंकर, मतलब यहाँ से जो कोई नीचे गिरा वो गाइस सीधा कंटेनर पे गिरेगा और कंटेनर में हमला हो जाएगा। बेटा तुम्हारी बारी है, नीचे चलो। तो ओके गाइस, अगर मैं आप लोगों को कैमरे से दिखाऊं तो मैंने इसे नीचे मार के नीचे फेंक दिया है और अब ये दोस्तों शेर से लड़ेगा। भाई साहब, शेर ने दोस्तों इसको काफ़ी गंदा पीटा और ये फिर से मेरे से अब तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी है। भाई इसको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ट्रेसी एंड जिमी, ठीक है, और मेरी वाइफ अमेंडा। नहीं तो भाई इसका कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे साथ और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो हमारे से बीच में। ठीक है, मैंने भाई बस अपनी जान बचाई, एज अ दोस्तों लॉस सैंटोस का वासी हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने इसकी जान बचाई। भाई साहब ये बंदा वहाँ से कूद के बाहर आ गया, तेरी मोटी चमड़ी में ना शेर भी नहीं मार पाया, इतनी ज़्यादा बॉडी इसने बना रखी है माफिया ने। रुक जा बेटा, गन से नहीं बच पाएगा। तो ओके गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर बचा लिया है अपनी क्वीन को, जो कि हमारी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी लेकिन बनाई नहीं हम लोगों ने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर, कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो तो बचाने की ज़रूर कोशिश करें।